भाई इस वीडियो में एक चीज़ और हम आज आपको बता रहे हैं सभी किसानों को, जो भाई किसान डीएपी यूरिया या केमिकल की जो भी खेती करते हैं, डीएपी यूरिया यूज़ नहीं करनी है किसी भी खेती में। सिर्फ ये ड्रैगन फ्रूट नहीं, आप अनार की खेती करते हो या कपास है, रंडा, जो भी खेती करो, अगर उसमें आपको केमिकल नहीं डालना है तो उसकी कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं, उस चीज़ का जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हिरजी भाई ने अपने सूझबूझ के साथ यहाँ सब बनाया हुआ है। आप ये, मैं अपने भाई से बताऊँ, देखो आप दिखाओ नीचे, ये देखो सब गाय का गोबर है, बकरी का गोबर है, और इस खेत के अंदर जो भी वेस्टेज निकलता है, किसी भी पेड़, जो इतने भी पेड़ पौधे उनके पत्ते हैं या सूखी डालियां हैं, जो वो कहीं कभी भी अपने खेत से बाहर नहीं फेंकते, और सबका यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा ये किया हुआ ढगला देख लो आप, ये पूरा वेस्टेज जो है वाड़ी का अपने खेत का वो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और इसके ऊपर ये फुहारा सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, ये देख लो आप, इस फुहारा के थ्रू ये रोज़ इसी के ऊपर पानी छांटते हैं, और ये पूरा जो खाद का न्यूट्रिशन जो है वो पानी के थ्रू वहाँ पे वह खड्डा बनाया हुआ है, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे, जो भी इसका न्यूट्रिशन है सब वो पानी के थ्रू देखो यहाँ इसमें इकट्ठा हो जाता है। यहाँ यहाँ पे इन्होंने मोटर लगाई हुई है, और ये जो फिर वो क्या है, हर 8 से 10 दिन के अंदर अपने खेत में देते हैं, हर फसल के अंदर, ये देख लो जो पानी के अंदर इसका जो अर्क तैयार होता है, ये नीचे फिर खड्डा है यहाँ पे तैयार हो जाता है, और वहाँ पे सामने मोटर रखी हुई है, वो बारिश इसलिए ढकी हुई है, तो इसके थ्रू फिर वो पूरे खेत के अंदर देते हैं, जिसमें ये ड्रैगन फ्रूट भी है या इनके पास जो भी वेजिटेबल इन्होंने लगाया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे आगे, तो सब्जियों के अंदर इसका यूज़ करते हैं पूरा, दूसरी कोई भी क्रॉप के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, सभी किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला है, जीरो खर्च है, समझ लो आपका घर का गोबर है, गाय का गोबर है, बकरी का गोबर है, कहीं से भी आपको मिलता है, तो आप डीएपी यूरिया की जो खेती करते हो उसकी बजाय आप ये कुदरती खाद का यूज़ करो, आपकी ज़मीन, आपका खाना और आपकी फसल, आपकी ज़मीन सुधरेगी, अच्छा खाना बनेगा उसके अंदर से, और अच्छा भोजन हम दूसरों को खिला सकते हैं। तो सभी से अनुरोध यही है, अपील है कि आप ऐसी खाद तैयार करो, अपने खेत में यूज करो। और ये रजी भाई आप थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में। हेलो, इसमें से हम पानी डालते हैं पहले, ये पूरा गर्मी उसमें से निकल जाती है, बाद में इसमें वेस्ट डिकम्पोजर हम डाल देते हैं। अच्छा, वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करते हैं, यूज करते हैं इसमें बाद में डालते हैं। जब भी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करेगा तो 8 गुना ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसका वैल्यू। ओके, यानी इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे, एक ठंडा होने की बात, ठंडा होएगा तो वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये पानी डालते हैं इसमें ठंडा होने की बात डालते हैं। अच्छा, पहले पानी देके, पहले पानी इसके ऊपर डिकम्पोजर छाट देते, पहले पानी डाल के पूरा ठंडा कर देते हैं खातर को, नहीं तो खातर बाफ मारते गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं पूरा, इससे फिर वो डिकम्पोजर के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया मरी जाते हैं गर्म गर्म में, तो कोई भी बैक्टीरिया मरी जाते हैं, इसलिए ठंडा होने के बाद डिकम्पोजर छाटिए, और वो छाटने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा 8 से 10 इंच पतला पोंछा कर देने का, पाउडर से थोड़ा खोद देने का ऊपर से, मतलब। तो इसमें से हवा लगती है ना, इसमें से हवा ने धूप आते है अच्छी, इसमें से बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसमें से 1 महीने से भी जल्दी हो जाते हैं, सड़ जाता है, मतलब खाद जल्दी सड़ जाता है चाय नहीं भूखी जैसा हो जाता है। अने पक्का खाद किसको बोलते है कि कोई भी इसमें सुगंध नहीं होनी आनी चाहिए कोई पण जात की, जो मतलब किसान क्या करते हैं कि भाई जैसे आज मुझे अगर देसी खाद चाहिए तो मैं किसी भी गाड़ी वाले को या कहीं से भी वो बोलूँगा यार मेरे को 2 गाड़ी खातर चाहिए, तो डायरेक्ट वहाँ से कच्चा उठाएगा और ये अपने खेत में डाल देगा, और हम क्या करते हैं अपने फिर मजदूर रख के सीधा उसको खेत में डाल देते हैं, तो वो खाद जो होता है वो कच्चा खाद होता है, और कच्चे खाद के अंदर जैसे हिरजी भाई ने बताया कि बहुत सारे फूग होती है, यानी कि फंगस होते हैं उसके अंदर, बैक्टीरिया होते हैं फंगस के, तो वो जैसे जाएगी खेत में फिर उसको सड़ने में पूरा 1 साल लगता है, तो वो खाद आपको अगले साल काम आने वाली है, लेकिन तब तक वो ज़मीन के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ छोड़ देती है, तो उसका तरीका इन्होंने बताया है कि आप यहाँ पर रखो, इसके अंदर पानी डालो, इसके थोड़े बाद में फिर इसमें डिकम्पोजर डालो, तो ये 1 महीने के अंदर आपका खाद तैयार हो जाएगा। अने उसकी लेप तरीके अपन को देखना है, तो इसके ऊपर जो बावरिया और घास भूसा जब भी निकल आते जब भी समझ लेना कि वो ठंडा हो गया है, नहीं तो बाद में बर्फ गर्मी होगी तो कोई उगेगा नहीं इसमें से, उगेगा नहीं, बाफ मारते हैं, जब भी ठंडा हो जाते तभी उगते हैं, मतलब ये तभी उगते हैं, तभी ये अपन को पता लग जाते हैं कि अभी ये पूरा ठंडा हो गया है ना, तैयार हो गया ना, डिकम्पोज
जब छांटने के लायक हो गए, मतलब आप ये बात कह सकते हो ना इसमें कि अब अगर हमें डीएपी यूरिया बंद करना है केमिकल, तो उसकी कमी ये खाद पूरी कर सकती है? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इससे बढ़िया होते है डीकम्पोस्ट ने उसकी डीकम्पोस्ट पहले हम डालते यूरिया डीएपी हम पहले डालते थे, बहुत डाला, लेकिन इस वक्त 20 से 22 दिन तक ही उसका केफ रहते, बाद में झाड़ ऐसा हो जाते है कि जैसा सूखी गया बीमार जैसा लगता है, बीमार जैसा लगता है, वही दूसरा डोज देना पड़ता है। यानी आपको हर 10-15 दिन में खाद देना ही पड़ेगा, खाद देने ही पड़ते थे, देने ना, जमीन ऐसी खराब हो गई कि चले तो चल ही नहीं सकते, इतनी बंजर हो जाती है, इसमें जमीन भी फलद्रुप होती है और डीकम्पोस्ट पानी के साथ में हिलाए गए तो भी बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। देख लो किसान भाइयों, अगर आप डीएपी यूरिया यूज़ नहीं करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि इनकी फसल कोई कम हो रही है या ज़मीन में, उल्टा इनका उत्पादन बढ़ा है और ज़मीन जो फलरूप बन गई है एकदम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब हम डीएपी यूरिया के बगैर खेती नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप इसको अपने खेत में यूज़ करो और बनाओ और यूज़ करो। फिर जी भाई ये इसके बारे में बताइए, ये खाद क्या क्या है इसमें? ये वेस्ट डीकम्पोजर है, ये बनाने का ये देखो ये वेस्ट डीकम्पोजर है। उसकी बनाने की विधि क्या है कि इसमें एक 200 ग्राम का ड्रम में 2 लीटर गुड़ डालने का है और सुबह शाम एक दफ़ा इसको हिलाने का है। और वो वेस्ट डिकम्पोज़र ऑनलाइन से भी मिलते हैं, गाज़ियाबाद से भी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो हमारे पास से लेके जाना 5 लीटर, उसमें से बाद में पूरी साइकिल उसकी साथ में चलती है। 5 लीटर एक ड्रम में डाल दिया, 2 किलो गोड़ डाल दिया, बस बाद में 2-4 दिन, मतलब अगर एक बार बनता है तो आप फिर उसको लाइफ टाइम चला सकते हैं आराम से। उसमें से बनता उसमें से 10 लीटर निकाल के रखो और बाकी फिर उसमें 2 किलो गुड़ डालो और फिर उसको पानी से भरो, फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। देख लो भाई ये बोतल कितने रुपए की आती है? बोतल 20 रुपये की आती है, वो एक ही दफ़ा लेनी है और आपकी ऑनलाइन से मिलती है तो ठीक बात है, नहीं तो हमारे खेत में से लेके जाना। वाह ये देख लो, यानी कि आपका मतलब है 20 रुपये की एक बोतल आपको पूरी ज़िंदगी चलेगी। और ये सिर्फ खाद में काम करते हैं, इसका छिड़काव भी आप करते हो कभी? छिड़काव भी करते हैं हम, लेकिन ज़्यादा पहले करते थे, अभी ज़्यादा नहीं करते, अभी फ्लोरिंग में देते ही वो काफ़ी हो जाते हैं। अच्छा मतलब पानी के थ्रू देते हो, बहुत हो जाता है तो इसमें बहुत हो जाए, इसमें कोई जात नहीं, कमी रहती ही नहीं है कोई, यानी कि सब खातों की जो कमी है ये अकेला पूरी कर देता है। पूरी अकेला पूरी करता है, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे से आएगा। इसमें क्या है कि यूरिया डीएपी डालते तो 15-20 दिन में आ जाते हैं, इसमें 2-3 महीना लगातार आप खेत में डालेंगे बाद में उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पहली आराम से 2 महीने के महीने में उसका रिजल्ट नहीं आते, पहला 2-3 महीना तुम कंटिन्यू यूज करेंगे, हम कंटिन्यू 3-4 महीने तो उसका रिजल्ट दिखेगा। इसके बाद में दिखेगा, जैसा जैसा जूस ज्यादा करेंगे ऐसा रिजल्ट जोरदार से। ये डीकम्पोजर वही है ना जो आप जो खाद बनाते हैं, जो हमने बताया था उसका निकालने के लिए, वही है वेस्ट डीकम्पोजर है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये डीकम्पोजर है, ये मल्टीप्लाई सभी जगह काम होता आता, मतलब बड़ी सब जगह है। आप इसको ड्रिप के थ्रू भी दे सकते हैं, इसे खाद में भी यूज कर सकते हैं, ड्रिप में भी दे सकते हैं। और ड्रिप में डालते हैं ना तो इसमें जो काना अपना बंद हो जाते हैं उसको भी डिकम्पोज करके साफ कर देते हैं। अगर किसी की लाइन चोकअप हो जाती है ना, लाइन जैसे भाई पानी है तो उसके अंदर सेवार जम जाती है, तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आप डिकम्पोजर उसमें चलाओगे तो आपकी लाइन भी है खुल जाती है। खुल जाती है, वेस्ट डिकम्पोजर बना देती है, उसको डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज कर देते हैं उसमें, बाद में खुल जाती है। पौधे अच्छे नहीं थे। ये देख लो भाई, इन्होंने ना स्पेयर बाय टाइम के हिसाब से सब बनाए हुए हैं, ये जितने ड्रम है सबके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर है। तो क्या ये 7-8 दिन में तैयार होता है जी भाई? 4 दिन के अंदर। तो इन्होंने आगे से एडवांस में रखते हैं, जैसे 4-4 दिन में तैयार होता है तो इनका कंटिन्यू स्टॉक इतना रहता है इनके पास। ये देखो 7-8 ड्रम इनके पास है और नीचे जो देख लो आप इन्होंने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है, तो इनको ड्रम से क्या है बदलना नहीं पड़ता, सब में नल सिस्टम दिया हुआ है, ऑटोमेटिक है, यहाँ से नल चालू करते हैं और सीधा पानी में के द्वारा खेत में पहुंच जाता है ये।